बात करें अगर एडिबल ऑयल पैक की, तो आपको सोयाबीन में क्या लग रहा है? आप सोयाबीन में आगे कैसा रुझान देखने को मिल पाएगा? देख रहे हैं कि सोयाबीन में काफी ज्यादा सेलिंग देखने को मिल चुकी है और अब एक काफी समय से एक कंसोलिडेशन के साथ ट्रेड किया जा रहा है। कि सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में मंथली चार्ट पे अगर हम देखें तो इस समय कमोडिटी जो है ये ऑलमोस्ट बॉटम से ये 3200 से चलना स्टार्ट हुई थी और उसके बाद में 9500 का हाई लगाया था इस कमोडिटी ने मंथली चार्ट के बेसिस पे, और वहां से ये ऑलमोस्ट 61.8% के आसपास रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर चुकी है और इस टाइम पे बाइंग टेरिटरी में ये मूव कर रही है। यहाँ से चांसेस अपसाइड के ज्यादा है, डाउन साइड की कम है। डाउन साइड में 5000 तक का सपोर्ट इसमें है, लेकिन चांसेस बहुत कम लगते हैं कि प्राइस जो है ये 5000 के नीचे ब्रेक करेंगे और उसकी तरफ मूव भी करेंगे। ज्यादा चांसेस यही लग रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये एक रेंज में मूव करता हुआ दिखेगा और रेंज इसकी रहेगी 5200 से 5600 की, और इसी रेंज में ये कंटिन्यूस 1 से 1.5 महीना ट्रेड कर सकता है और उसके बाद में अपसाइड ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। जी,